माता सती होती वर्तमान तांके दक्ष प्रजापति कन्या जिते बड़े हिमालय जन्म हेबे सेते बड़े तांके पार्वती को आजीबो तेनो पार्वती ए सती भीतर पार्थक्य अछि तेनो विचार करिया गले एबे लक्ष्मण लाल देखिले चकित भय हृदय विशेष भाबिले किछ विशेष काम हबो किंतु भगवान भी देखिले मोर पत्नी एकाकी बुलुथवा जोगु ताके वर्तमान निकोज आ तमे वृषकित को छाडी के एकाका बुलजो कोन पाई वृषकित क्वाड बोलले अर्थात भोलेनाथ शिव क्वाड बोलले लज्जित हे गेले ताके पूरा गोडी पडछंती मो मुख देखा जाउनी एई बोली परिस्थिति रे भगवान जेते बेले कहउछंती लज्जित हे गेले एबो कोन करबे आ भगवान मुखटी को न देखे डायरेक्ट पति को पाखे पळे गेले किंतु भेषटा धरथिले कोन माता सीतांकर वेश धर दैथिले सीतांकर वेश धरथिबा जोगु श्री भोलेनाथंकर माता होछंती माता रूप रे स्वीकार करथिले जे माता सीतांगो प्रभु श्री राघवेंद्र को निज इष्ट देवता रूप रे स्वीकार करथिले अर्थात पिता रूप रे स्वागत करथिले स्वीकार करथिले किंतु निज पत्नी हेगिरी मां को रूप ले गेले किंतु यहा भोलेनाथ शिव को किछि फल लागिला नै तुमे पत्नी होई मां कर रूप काहि कि मिलो तिनो आज ठार तुम केबे मध्य मोर घरण हे परबो नाही जाओ आज ठार तुमको मो परित्याग कर दे जेते बेले भोलेनाथ सतीक सहित मिशुछंती एई बोली कथा कहले आहा यह तन सती भेटे मोहिना शिव संकल्प की तुम माई कौन कहले यही जो भेष धारण कर ना यही पर नहीं कहले जदि मुझे सती तुम सहित प्रीति करी मोर जी भक्ति अच्छी नष्ट तन सती भेटे मोहिना शिव संकल्प शिव संकल्प माने जो ठारे थरे संकल्प कर दियंती लोक माने आओ से संकल्प के बे मध्य परित्याग करंदे नाही मु शिव संकल्प करिछि अर्थात अमोघ संकल्प संकल्प यह तन सती ही मोहि भेट नाही शिव संकल्प किन्नी तुम माही तेणु ये शरीर द्वारा मु आपन को हे देवी तुमको पत्नी रूप रे ग्रहण कर परिबे नाही तने सेते बेले माता बहुत दुखी हे गेले तेनो भाबिले ए शरीर मु छाडी देबी मु घोर पाप करली तेनो कोन कले दक्ष प्रजापति यज्ञ ने जे शरीर को छाडी देले किबोली छाडीले कोन कोन पे छाडीले आपन माने सुनि छंती
दक्ष प्रजापति यज्ञ रे अनेक जिज्ञासा कथा मध्ये मिलला अपमानित हेबा पडला दक्ष प्रजापति को द्वारा तेनु सेठरे एई कारण को नै सेठरे प्राण टकु त्याग कर दे पई प्रयास करले एवं यज्ञ रे नै पडिले एवं सेते बेले हरि को चिंता करछंती हे प्रभु विष्णु आपण पटी वर मागुछि शेष वरटी गुटी दियंतु ना गण जन्म जन्म शिव पद अनुराग मु शिव को केबे मध्य परित्याग करि परिबे नाही जुग जुग धरी मते सब बेले शिव ही पति रूप रे प्रदान करंतु सती मरत हरि सन पर मागा सती मरत हरि भगवान तथास्तु गले जे जन्मे जन्मे जेते थर जन्म नउथिबी एवं जेते बेले मु पाइबे पति रूप रे शिव को ही पाइबे आशीर्वाद टिक दियंतु सेते बेले भगवान विष्णु निजे तथास्तु गले से बरटी को ग्रहण करी निजे प्राण को छाड़ी देले एवं जाई कुडी हिमालय को कन्या रूप रे जन्म हेबे सेई दिगरे हिमालय तांकर पत्नी हेले मेनका एवं तांगो ठारो जन्म नेले अति श्रद्धार सहित आदर सहित पालित हेले एवं जत्ते बेले वयस प्राप्त हेले सेते बेले घरे पहुंचले देवर्षि नारद तुमर कन्या वयस प्राप्त हेलेनी एवं सी तांकर विवाह वयस आसी पहुंची गलानी किंतु हे मेनका एवं हिमालय राजा तमे किछि मध्ये विचार करिनो ना ना ए पर्यंत किछि मध्ये विचार हेनी सेते बेले कोन करा गला ना देवर्षि नारद कहले एमिति गोटि प्रस्ताव देबी तमे केबे मध्ये जानि नथिबो एवं तांको ठारु एते सौभाग्यवान तांको ठारु एते भल लोक केबे मध्ये मिलिबे नाही ताहले निश्चित रूप से ए कथाटी तुम ग्रहण करिवो ना निजे सती से कथाटी को निजे पार्वती से कथाटी को स्वीकार कले एबे आउ सती कहले हबोनी काई के हिमालय ठार जन्म नेबा जो तांकर नाम पार्वती हे गला एवं पार्वती ए कथाटी को स्वीकार कले आहा निश्चित रूप से ए सब से विभूति भूषण औछंती एवं से मुंडमाला पिंदिछंती एवं स्मशान रोचंती एवं जगतर कल्याणकारी से विषपान करथिले जगतर कल्याण पई ताले ठीक अछि एई भली व्यक्ति को स्वीकार करि पति रूप रे आहा राज्य हे गले ताहले किंतु देवी तमको तपस्या करिवा पड़िबो तपस्या न कले से केबे मध्य कार्यर संतुष्ट होंती नाही तेनो तमे तपस्या आचरण करो जाई घंच जंगल रे देवर्षि नारद कहिवा मुताबक सेइ बले अति सुंदर भाव रे तपस्या आचरण करले कि बले भाव रे जे चक्षु मुद्रित करी तपस्या करथांदी एवं जते बले भूख लागुथिला कोन करथिले ना सुखिला पत्र गुडा खाउथिले जब उमा सुखाने परना जत्ते बले सुखिला पत्र को खाइबार छाड़ देले ताका नाम हे गला अपर्णा
एवं तपस्या और ध्यान दे। दिने उपराडो आशीर्वाद देबाक लागिले ब्रह्मा जे शून्यवाणी रूपरे भयो मनोरथ सुफल तब सुनगिरि राजकुमारी भयो मनोरथ सुफल तब तमे जो जो जिनस पई तम तपस्या करथिलो से जिनस तम प्राप्त हबो परिहर दुसह कलेश सब अब मिली अहि त्रिपुरारी तमे क्लेश तपस्या अपर तपस्या परित्याग कर तमगो निश्चित रूप रे अति शीघ्र अचिरे भोलेनाथ प्राप्त हे परिवे एडो शून्यवाणी बंद हे गला। किछि समय परे छद्मवेश रे शिव आसी सेठरे पहुंची गले बोले एते समय पई एते समय धरि तुम काग तपस्या करथुलो मु जानी छी तमे शिव को पाया पई तपस्या करथिलो ठीक नु हो शिव ठीक नु हंती से मुंडमाला पिंदु छंती स्मशान रे वास करछंती से अगोरी तांको विवाह करले तमे ले किए तुमे ना मु तुम सतर्क बाणी देबा पई आसीली तमे बुझी जा नले असुविधा अछि घर भी नाही टिके रोई कोट तमे सेई बोली प्रस्ताव ग्रहण करनी तांको पति रूप पर ग्रहण करनी किछि सुख पाई परिवनी बोले नाही 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 मु संकल्प कर दे छी शिव को पति रूप पर पाया पई से ठीक अछि तम मते किछि अन्य कथा बुझाओ नी तथापि कौच मो कथा टी शुण मुणिली आप तपस्या करने आई शिव को पति रूप पाइबापी गोटे खराब प्रस्ताव टी को ग्रहण करेंगे कि भाई भाव से हिमालय कन्या तेणु सतर्क देवाई मोर व्याकुल आसला तेणु तुम निकट को आसी द्वितीय थर मु कौच कथा टी तुम स्वीकार कर मत भविष्यवाणी देवा दरकार नहीं एवं सेई भोली शिवं को परे एई भोली जिंघास कथा कोनी तमे तृतीय थरो जते बले से कथा कहउछंती से पाखरे पडतिला गोटे पनीडा धरले मारे देवा पई तापर भोलेनाथ तत्क्षणात निज रूप देखे देले हा हा धन्य एई भोली प्रेमिका हबत हबो जते मात्रे लोक बुझेले मध्य जते मात्रे लोक माने भांगी देले मध्य थरे जाकु भूल पाइलो एवं तांको विश्वास घातकता देवनी तेणु ठी उपयुक्त बर बाछिया पई समय नियंतु समय नियो जिते बेले समय स्वरूप रे फल स्वरूप रे सब किछि हे गला विवाह हे जिवे सेते बेले आउ तांको परित्याग करे उचित नुह न हातव्य पति हि सुहीर पादकी हि तांको छाड़िया उचित नुह कहीं संकल्प नेले सात जन्म पाई पति रूप रे तेणु परित्याग करिया विधान नुहे सेतिपई माता भोलेनाथ शिव रूप को देखी लज्जित हो गले प्रभु आपण आपण निज विषय रे निंदा करछंती ए कि विलंबना प्रभु आपण मते एते परीक्षा करछंती आहा लज्जित हो गले एवं आखि मुद्रित कर देव मात्र के शिव से ठार अंतर्ध्यान हो गले वो निज घर को चली गले एवं समय अनुसार तांकर विवाह प्रस्ताव जो थिला तांकर अति सुंदर भाव रे विवाह हला एवं विवाह हला परे कोन है जी किंतु तांकर पुत्र जन्म हेले तांकर हेले कार्तिकेय कार्तिकेय कोन कले तारकासुर को वध कले एवं एई भली तांकर अनेक लीला शिवंकर किंतु भोलेनाथ शिवंकर कथा सुनिले चमत्कार माता सती एवं जेते माता पार्वती जेते बेले हिमालय थांदी बोले हे स्वामी आपण एते सुंदर पति मत मिली छंती मोर बहुत सौभाग्य कहीं कि आपण को अंतर भितरे जो कौन सी गोटे गुप्त कथाटी आसे से कथाटी मते जणे दियो आपण तपस्या करिया भितरे जो जो जिनस तपस्या देखंती आपण से जिनस मते कहि दियंती हा हा आपण केते दयालु
କିଛି ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ନିଜକୁ ବହୁତ ବହୁମାନନ କରନ୍ତି ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ୱାମୀ କୌଣସି କାମରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଦିଗରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେବୀ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ମାତ୍ରକେ କହିଲେ ହେ ଗୁରୁବର ସ୍ୱାଗତ ସ୍ୱାଗତ ଗୁରୁଦେବ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସତ୍କାର କଲେ ମାତା ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ସତ୍କାର କଲେ ଏବଂ ସତ୍କାର ଆଦିତ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ କହିଲେ ହେ ଦେବର୍ଷି ଆମର ଏଇ କୈଳାସ ଧାମ ଭଳି ଧାମ ନାହିଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏଠାରେ ହିଂସା ନାହିଁ କପଟ ନାହିଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ତପସ୍ୟାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମତେ କହିଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ବୃଷ ଅଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକ ବୃଷ ହଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି କାର ନା ସିଂହର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦକ ଉଭୟ ଏଠାରେ ବିନା ହିଂସାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ମୋର ବଡ଼ ପୁଅଙ୍କର ବାହାନ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂର ଏବଂ ସାନ ପୁଅଙ୍କର ବାହାନ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଷିକ ଜଣେ ଜଣର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦକ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଆହା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ନା ହଁ ଆଜିକାଲି ଆଉ କି ଖୁସି ଲୋକମାନେ କହୁଥାନ୍ତି ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଘରେ ହଉଛି ଗୋଟେ ତେଣୁ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ ନା କଣ ହେଇଛି ଗୁରୁବର ନା ତମେ କହୁଛ ଆମ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ମୋର ପତି ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ସବୁକିଛି କଥା ମତେ କହିଦିଅନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କପଟ ନାହିଁ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ମୋର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପତି ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡମାଳା ପକେଇଛନ୍ତି କାର ମୁଣ୍ଡମାଳା ନା ମତେ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଭଳି ପରିବାର ମୋର ଭଳି ଘର ଏବଂ ମୋ ଘର ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋପନୀୟ କଥା ପ୍ରଚଳିତ ନା ଆସି ଦେବି ମତେ କିଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଗୁନି ଏବଂ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଏ ଦିଗରେ କିଛି ନିଆଁ ଭିତରେ ଝୁଣା ପକେଇଲା ଭଳି ଏବଂ କଟା ଗାଁରେ କିଛି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଲଗେଇଲା ଭଳି କଣ କଲେ ଦେବଶ୍ରୀ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଆବିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କଣ କଲେ ଦେବଶ୍ରୀ ନାରଦ ଗଣା କଲା ପରେ ଏ ଦିଗରେ କିଛି କୋପ ଭବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ କଳା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଲେ ସବୁକିଛି କେଶ ବିକ୍ଷିରିତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ରାଗର ତମତମ ହେଇକି ଥାନ୍ତି କୋପ ଭବନରେ ଥାନ୍ତି ଏ ଦିଗରେ ଭୋଲିନାଥ ଶିବ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କୈଳାସରେ ଆଉ ନିଜ ୱାସରେ ନାହାନ୍ତି ଦେବୀ ବୋଲେ କଣ ହେଇଛି କୁଆଡେ ଗଲେ ଦେବୀ ଆଜି ଘରେ ଏତେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇକି ପଡିଛି ବୋଲେ କୋପ ଭବନ ଦେଖିଲେ ମାତା ପାର୍ବତୀ କୁପିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ହେ ଦେବୀ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଛି ନା ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ବାହାରେ କଳା କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ବି କଳା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ନା କଣ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ ନା ହବନି ଆଉ କିଛି ଏବେ କିଏ ବୁଝିବ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଶେଷରେ କହିଲେ ମତେ କେବେ ଏ କଥା ପଚାରିନ ତମେ ପଚାରିଥିଲ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏ ମୁଣ୍ଡମାଳା କାର ନିଶ୍ଚିତ କହିଥାନ୍ତି ତମେ ପଚାରିନ ତମର ଭୁଲ ତେଣୁ ହେ ଦେବୀ ଦେଖ ତମକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ତମେ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ପରେ କଳ୍ପ ଭେଦ ଅନୁସାରେ କଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣଟିକୁ ଛାଡି ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଲା ପରେ ସେ ଶରୀର ଏତେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ମୁଁ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରୁଛି ଦେଖ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଧାରଣ କରୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆହୁରି କପଟେ କଥା ଗୋଟେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମରୁଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ଆପଣ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବେ କେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ଗଳା ଧାରଣ କରୁଛି କଣ ଭଲ ପାଇବାର ଲକ୍ଷଣ ନା ମତେ ଆହୁରି କ୍ରୋଧ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିବେ
तेबले कहले हे देवी जदि राम कथा श्रवण करिवे ताहले आ बारंबार मरिबा को पडिवोनी मु से अमर कथा श्रवण करिया जगु भगवान राम कथा सबुले गान करिया जगु मु सबुले अमर होइ गेलि किंतु तमे से जिंस विश्वास न करिया जगु प्रभु राम को भगवान बोले विश्वास न करिया जगु तमे आज एई भली अवस्था तेणु भगवान विश्वास करो ता उपासना करो तुमको बार बार मरवा पड़ो ना तेणु से कथाटी स्वीकार कले से रामचरित मानस शुणापी उत्कंठ प्रकाश कले भोलेनाथ शिव कहते माता पार्वती श्रवण कले अतिम्र श्रवण कले श्रवण करते भगवान श्रृंगार लीला आसला भगवान के अटकी गले भोलेनाथ जी अटकी गले प्रभु कहीं अटकी गले एक कथा मोर अति प्रिय आपण कोन भगवान को श्रृंगार लीला आहा आसंत समय तम सापेक्ष किंतु भगवान को माता पार्वती जो भगवान को श्रृंगार लीला टी श्रवण करिया पई इच्छा प्रकाश करछंती से लीला टी श्रवण करिबा अनेक लीला श्रवण करे कले कि जत्ते बेले भोलेनाथ टिके अटकी गले श्रृंगार लीला समय रे सेते बेले कले प्रभु मते कोंत प्रभु से प्रभु कर अति सुंदर लीला मते वर्णना करंतु सेते बेले भोलेनाथ आरंभ कले ना ऋषि विश्वामित्र निवेदन क्रमे राजा दशरथ दुईटी संतान को देथिले से श्री राम एवं लक्ष्मण को एवं रास्ता रे ताड़ा को बद्ध कले एवं सीधा आश्रम को जाई मुनि को आश्रम को पवित्र कर देले मारीच को पवनास्त्र प्रयोग करी से लंका पटे निक्षेप कले एवं ए दिगरे आग्नेय अस्त्र प्रयोग करी सुबाहु को बद्ध कर देले सीधा आश्रम रे गले गंगा निकट को अति सुंदर भाव रे भोलेनाथ वर्णना करछंती एवं जेते बेले गंगा निकट को गले विश्वामित्र मुनि अति सुंदर भाव रे गंगा कर महिमा दुई भाई को वर्णना करी सुनाउछंती अति सुंदर भाव रे वर्णना कौछ करछंती ना किबोली भाव रे गंगा आसी ए पृथ्वी रे पहुंचले आहा गाधी तनय मन चिंता व्यापी गाधी तनय मन चिंता व्यापी हर बिन मरही न निसिचर पापी जय सिया राम जय सिया राम माने साक्षात स्वधुनि गंगा किबले भाव रे भगवान कर बावन अवतार रे नख कोण रे थिले ए किबले भाव रे ए पृथ्वी लोक आसीले सब कथा सुनिले विश्वामित्र मुनि प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण को बोले तुम वंशर पूर्वर होछंती मरीच
सूर्यंक पुत्र होचंति कश्यप सूर्यंक पुत्र होचंति ए सूर्यंकर पिता होचंति कश्यप तांकर पिता होचंति मरीचि सूर्यंकर होचंति आठटी संतान सी हेले श्रद्धा से संज्ञांकर संज्ञांकर जो सूर्य अर्थात संज्ञांकर होचंति शनि देवता एवं जम देवता तांकर गोटे कन्या मध्य जन्म होती सी हूँ जमुना एवं से दिगरे जितेबले एत मात्र सूर्य तेज को संभा पारे पिता पति निकट में तपस्या करने गले जा समय कौन करजर अबिकल मूर्ति को घर रखी जा देखा साक्षात संज्ञा अर्थात सूर्य पत्नी निज रूप सिद्धि जानते निजे गले तपस्या करने से दिगरे अठोर तपस्या कले सूर्य को संभा शक्ति आणले आसला देखिले से छाय निकट रु दुईट पुत्र गोटे कन्या जन्म हो किए ना शनिश्वर देवता एवं सावनी मनु मन रखु शनिश्वर देवता एवं सावनी मनु ये से ही छाय जन्म ने तेणु छाय सत बोली शनि देवता आईदिगे संज्ञा पूर्व दुईट संतान गोटे कन्या जड़े वैवस्वत मनु एवं आउ जन जम देवता कन्या जमुना एवं छाय जन्म ने तापी नदी जो मैंने गुजरात जाए सुराट जाए से देखी थे तापी नदी तापी तापी नदी अच्छी अश्विनी कुमार तीर्थ मध्य अच्छी निजे तापी नदी भिक्षा मागी स्वर्गर बैद ये निजे भिक्षा मागी निज भाई जमदेवता कहले हे भाई मो नदी तटरे जी मृत्युवरण करे मो नदी तटरे जहार शबदाह हम सी लोक केबे मध्य जम जंत्रणा देव ना तथास्तु कहते तेनाली अश्विनी कुमार तीर्थ प्रसिद्ध तेणु से अश्विनी कुमार तीर्थ कहीं कहला अर्थात अश्विनी कुमार होती सूर्य आउ दुई जन पुत्र कही आठ जन ए संज्ञा होती सतान छाय सतान संज्ञा होम देवता एवं श्राद्ध देव एवं कन्या जमुना एवं छाय शनि देवता एवं सावन मनु तांकर कन्या तापी नदी छज सूर्य छज सतान आउ दुज किए ना जिते संज्ञा तपस्या आस छाय सतान कि भाव निजे घरे रे बाहर करदे पे ना जदि आसपे गोटे प्रश्न उठ छाया एत दिन रहा निजे जाहपारे ना से दिन भितर स्वामी सेवा कर सी निजे गोटे रूप धारण करते लज्जा बोध कले घर को केमी जी लज्जा बोध कले कौन कले घोड़ा हो जंगल बुलवाक लगे